हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स जिसे जानने के बाद आपकी पियर्सिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, अगर आप अपने नाक या कान की पियर्सिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी पियर्सिंग प्रॉब्लम पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों की पियर्सिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, येलो पस होना, ब्लीडिंग हो जाना, बम्प हो जाना, नोज पियर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, ईयर पियर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। सो गाइस, आई डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसे देखने के बाद जब आप पियर्सिंग कराएं तो आपको पता हो कि पियर्सिंग कराने के बाद आपको क्या क्या करना है ताकि आपकी पियर्सिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइस, हमारे देश में कान और नाक छिदवाने की परंपरा काफी वर्षों से चलती आ रही है। बचपन में ही लड़कियों के कान नाक छिदवा दिए जाते हैं, कुछ जगह पर तो लड़कों के भी कान छिदवा दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बचपन में जो त्वचा होती है कोमल होती है और दर्द भी कम होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो स्किन जो होती है थोड़ी हार्ड हो जाती है, और जब हम पियर्सिंग कराते हैं तो बचपन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा पेन होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अपनी नोज पियर्सिंग बचपन में ही कराई थी जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। तो अगर आपने मेरी नोज पियर्सिंग स्टोरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको नोज पियर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट गाइस, पियर्सिंग अब एक फैशन बन गया है, तो लोग काफी सारी पियर्सिंग कराते हैं जिसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप जब भी पियर्सिंग कराएं तो आपकी पियर्सिंग के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइस, अगर आप पियर्सिंग कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने देखे हैं काफी सारे कमेंट्स आते हैं, काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनकी पियर्सिंग में। दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से देख लें जब भी आप पियर्सिंग करवाने वाले हो। फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे पियर्सिंग करा रहे हैं। सो मे बी आपको पता हो कि गली मोहल्ले और कॉलोनी में भी पियर्सिंग करने वाले आते हैं, तो उनसे आप पियर्सिंग ना कराएं। जब भी पियर्सिंग कराएं तो एक स्टरलाइज इक्विपमेंट और स्टरलाइज एनवायरनमेंट में ही पियर्सिंग कराएं, और आप किसी एक्सपर्ट पियर्सर से ही पियर्सिंग कराएं, ताकि आपको पेन भी कम होगा और आपके जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोग घर में खुद से पियर्सिंग कर लेते हैं, तो खुद से पियर्सिंग ना ट्राई करें। उससे भी क्या होता है, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो गाइज, घर पे खुद से पियर्सिंग ना ट्राई करें, किसी एक्सपर्ट पियर्सर से ही पियर्सिंग कराएं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि जब आप पियर्सिंग कराते हैं तो उस वक्त आपको एक इनिशियल पियर्सिंग इयररिंग या फिर पिन, नोज पिन पहनाई जाती है। तो जब आप उसे निकालते हैं उसके बाद आप कुछ भी आर्टिफिशियल वियर कर लेते हैं, तो आप ट्राई करें कि आप गोल्ड या फिर सिल्वर में ही कुछ वियर करें। इनिशियली 6 मंथ तक तो आप बिल्कुल ना ट्राई करें कुछ आर्टिफिशियल, जब तक आपकी पियर्सिंग पूरी तरह से हील नहीं हो जाती। तो गाइस, आप लो पियर्सिंग में तो फिर भी आर्टिफिशियल इयररिंग ट्राई कर सकते हैं, बट कोशिश करें जो आप ऊपर पियर्सिंग कराते हैं अपर ईयर में और नोज में, तो आप वहाँ कोशिश करें कि वहाँ पर आप सिल्वर या गोल्ड ही वियर करें। उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी पियर्सिंग बहुत अच्छे से हील हो गई है तब आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गोल्ड या सिल्वर ही वियर करें, स्पेशली आपकी नोज में, क्योंकि नोज में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि मैंने आपको अपनी नोज पियर्सिंग स्टोरी में भी शेयर किया है। साथ ही आपके जो ये अपर ईयर में पियर्सिंग होती है, यहाँ पर भी आप ट्राई करेंगे कुछ सिल्वर का वियर करें या फिर आप गोल्ड का वियर करें, या फिर अगर आपकी पियर्सिंग बहुत अच्छे से हील हो चुकी है, आपको 1 से 2 साल हो चुका है पियर्सिंग कराए हुए, देन आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पियर्सिंग की मूवमेंट करना। तो जब आपकी पियर्सिंग होती है तो उसकी मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भी आप पियर्सिंग कराएं तो आप उसमें सरसों का तेल अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन आप उसको मूव करें, तो आप 3 बार ऑयल अप्लाई करके और अपने पियर्सिंग इयररिंग या फिर पिन को मूव जरूर करें,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सरसों का तेल अप्लाई करिए अपनी इनिशियल पियर्सिंग के ऊपर, और जब आप तेल अप्लाई करते हैं उसी वक्त आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, उसको हल्का गुनगुना करके अप्लाई करें। ये आपकी पियर्सिंग को हील करने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, मैंने जो पार्ट वन बनाया है पियर्सिंग बम के ऊपर, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बता रखा है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज दोस्तों, आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको बार बार अपने पियर्सिंग एरिया को टच नहीं करना है और अपने हैंड्स को क्लीन रखना है जब भी आप ऑयल अप्लाई करें। साथ ही साथ अपने पियर्सिंग एरिया को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसे क्लीन भी करते रहें। स्पेशली जब हम गर्मियों में पियर्सिंग कराते हैं तो धूल मिट्टी से वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको अपने पियर्सिंग एरिया को दिन में 2 बार क्लीन करना है। सो गाइस, आप कोई भी एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन ले सकते हैं अपने पियर्सिंग एरिया को क्लीन करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दिन में 2 बार अपने पियर्सिंग एरिया को क्लीन करना है। दोस्तों, लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको अपने पियर्सिंग एरिया की बहुत अच्छे से केयर करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी पियर्सिंग जो है दुखे ना, तो इनिशियल कुछ दिन आप उसकी बहुत ज्यादा केयर करें। एंड गाइस, जब आप पियर्सिंग कराते हैं तो आपको कुछ फूड को भी अवॉइड करना होता है ताकि आपकी पियर्सिंग जो है जल्दी से हील हो जाए। तो उस फूड की लिस्ट आपको पार्ट वन में मिल जाएगी, तो आप पार्ट वन देख लीजिएगा। एंड दोस्तों, पार्ट वन में मैंने आपको एक रेमेडी बताई है अबाउट पियर्सिंग बम्प, अगर आपको पियर्सिंग बम्प हो गया है। साथ ही मैंने येल्लो पस जो आता है आपकी पियर्सिंग से, व्हाइट पस आता है, ब्लीडिंग होती है, हर टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, सो आप देख सकते हैं। जब आप पियर्सिंग कराते हैं, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है फिर भी आपको अपनी पियर्सिंग के ऊपर सरसों का तेल या फिर टी ट्री ऑयल दिन में 2 बार जरूर अप्लाई करना है। इससे जो आपका हीलिंग प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड गाइस, जब तक आपकी पियर्सिंग एरिया जो है अच्छे से हील नहीं हो जाता है, आप उस पियर्सिंग ईयरिंग को चेंज ना करें। और गाइस, मैं सजेस्ट करूंगी आप 1 वीक तक मस्टर्ड ऑयल में एक चुटकी हल्दी डालकर उसे हल्का गुनगुना कर लें, देन अपने पियर्सिंग एरिया पर दिन में 2 बार अप्लाई करें। और अगर आप 1 वीक तक ये कर लेंगे अपनी इनिशियल पियर्सिंग में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, आई होप आप ये टिप्स फॉलो करेंगे जब भी आप पियर्सिंग करवाएंगे अपनी नाक में या फिर कान में। एंड दोस्तों, अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेंगे तो आपकी पियर्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए, अगर किसी के काम आ सके तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।